अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड यानी आलू छोले पूरी। तो सबसे पहले हम पूरी का डो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा 2 कटोरी। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी हम रोज़ रोटी बनाते हैं। तो 1 कप इसमें मैदा डाल देंगे। इससे पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप चाहे तो मैदे की भी पूरियाँ बना सकते हो, मगर मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा और थोड़ा मैदा और सूजी ऐड करके पूरियाँ बनाऊंगी। तो अब मैं इसमें 3 चम्मच सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी से जो है पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनती है। अब इसमें स्वाद के मुताबिक नमक ऐड करना है। 2 चम्मच तेल डालेंगे मोइन के लिए, इससे पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती है तेल डालने से। अब ये आटे को हम अच्छे से तेल में पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक टाइट सा डो तैयार कर लिया है। इतना आटा तैयार करने में मुझे 1 गिलास के करीब पानी की ज़रूरत पड़ी है। अब मैं इसे थोड़ा तेल ऊपर से लगाकर 15 से 20 मिनट तक ढककर रख दूंगी ताकि इसमें अच्छे से रेस्ट हो जाए और पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बने। तो इसे मैं ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। आलू छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू ले लिए हैं। 1 कटोरी काबुली चने लिए हैं, ये भी उबले हुए हैं, इसे मैंने नमक डालकर उबाल लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 7 से 8 कड़ी पत्ता है। चुटकी बराबर हम हींग लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे। 2 अक्खी लाल मिर्च लेंगे। 1 चम्मच जीरा लेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। नमक स्वाद के मुताबिक 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है। यहाँ पर आप खटास अपने हिसाब से कर सकते हो कम ज़्यादा। तो चलिए हम आलू और छोले की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो 1 पतीले में डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। ये सब्ज़ी में ऑयल बहुत ही कम जाता है क्योंकि हम ये सब्ज़ी को पूरी के साथ खाते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी हींग। 1 चुटकी ही डालनी है हींग। अब इसमें डालेंगे हम 2 अक्खी लाल मिर्च और ज़ीरा। गैस की फ्लेम को धीमी कर दे। अब ये जो हमने प्याज और कड़ी पत्ता लिया है इसे डाल देना है और इसे हम हल्का ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो देखिए मैंने प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए अदरक लहसुन हो चुका है। अब ये जो मसाले मैंने बताए हैं आपको, ये सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम। तो इन मसालों को हमें ज़्यादा देर तक होने नहीं देना है। बस अब ये जो आलू हमने बॉईल किए थे ये इसमें डाल देंगे। तो ये आलू को हमने मैश कर लिया है, तो मिक्स कर लेंगे। और उबले हुए चने भी डाल देंगे इसमें, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मैं थोड़ा इसे दबा दे रही हूँ ताकि चने और जो आलू हमने लिए हैं इसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो देखिए बस 1 मिनट तक मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डालकर ग्रेवी को पकने दूंगी 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पर। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो आलू छोले की सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ग्रेवी भी ठीक हो चुकी है, आलू और चने भी अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। अब ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। तो आलू छोले की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पूरी बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए। अब हम इसे एक बार फिर से इस तरह से मसल लेंगे।
अब इसकी मैं मीडियम साइज की लोई तोड़ लेती हूँ। आपको जो साइज की भी पूरी बनाना है वो साइज की आप लोई ले लें और इस तरह से हाथ पे थोड़ा तेल लगा कर इसकी लोइयाँ बना लें। देखिए इस तरह से लोई बना ली है। अब हम इसकी पूरियाँ बना लेते हैं, तो थोड़ा तेल लगा लेंगे हम और एक तरफ मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए इस तरह की मैंने पूरी बना ली है। आपको जिस साइज की बनाना है उस साइज की आप पूरी बना सकते हो। ये आलू छोले पूरी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप बाजार की लाकर खा रहे हो या बाजार में ही जाकर खा रहे हो। देखिए इस तरह से मैंने पूरियां बना ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पूरियां फूल रही है हमारी। दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरियाँ फ्राई कर ली है, इसी तरह से सारी पूरियों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए हम आलू छोले को सर्व कर लेते हैं। तो चलिए स्ट्रीट फूड का लुक देने के लिए मैं इसे इस तरह की कटोरी में छोड़ रही हूँ, यानी सर्व कर रही हूँ। तो बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि हम स्ट्रीट पर ही जाकर खा रहे हैं। अब डालेंगे हम इस पे नींबू। बहुत ही टेस्टी, खट्टा, तीखा, चटपटा बना है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको भी। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा इसे स्पाइसी करने के लिए मैं लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल रही हूँ। दिखने में भी लुक बहुत ही टेस्टी लगेगा और खाने में भी आपको मजा आ जाएगा। अब ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डालूंगी मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग से इसमें लाल मिर्च ऐड की है, तो लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट फूड में जिस तरह से आलू पूरी मिलती है उसी तरह का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।